कुछ प्रॉब्लम इन रॉयल एनफील्ड, ये आप देख सकते हैं पूरा ऑयल यहाँ से लीकेज हो रहा है। इसको सही करने के लिए ना क्या होता है, ये वाला बोल्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसको सही करने के लिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लंकी बोल्ट लगते हैं, प्लस दूसरे साइड पे यहाँ पे 2 10 नंबर बोल्ट या फिर लंकी बोल्ट लगा होगा आपकी गाड़ी में, डिपेंड करता है। इसको खोल लें, खोलने के बाद ही सेल्फ जो है इसको ऐसे निकाल लिया जाएगा। पिचकस की मदद से धीरे धीरे ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये सेल्फ को अपन किनारे कर दें। अब देख सकते हो ऑयल आ कहाँ से रहा है, ये ऑयल दिख रहा होगा, ये गायब हो गया, ये आ गया ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल अपन को पैक ले, ये पैकिंग जो है ये पैकिंग लगी हुई है, ये पैकिंग सूख जाती है, ख़राब हो जाती है, इस कारण से होता है। पैकिंग को सही कर लेते हैं पहले, ठीक है, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ का बोल्ट चेंज करेंगे, ये एक्चुअली ख़राब था, इसको नया बोल्ट डाल के इसको फिर टाइट करते हैं, फिर चेक करते हैं लीकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, ऐसे होती है, ये घूमता है ऐसे, ये वाला गियर आगे घूमता है, ये वाला पीछे घूमता है, ठीक है, होता ही है। ऑयल का छीटा ही देखिए, ये ताज़ा ताज़ा निकला, ये ठीक है, ये ऐसे चलता है। जब ये ऊपर आता है ना, ये पूरा ऑयल ऊपर आता है, ये कवर में टकराता है, और ये जो है ना ऑयल का छीटा ऐसे निकलता है, इसलिए हमेशा यहाँ से लीकेज होता है, ना कि यहाँ से, ठीक। अब इसको अपन सुधारते हैं, प्रॉपर सफाई कर ली है अब, ठीक है। सफाई करने के बाद ना अब इसकी थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी, ये थोड़ी थोड़ी बॉन्ड चपका हुआ है, इसमें भी निकल जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। इसमें ये जो रबर है, ये देख, ये निकल आया, ये है, इसको निकालना पड़ेगा, ये निकल आया, अभी कंप्लीट हो रहा है। सफाई करने के बाद इसमें लगाएंगे एना बॉन्ड, एना बॉन्ड लगाते हुए दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली हमारे पास ख़त्म हो गया, मार्केट से मंगवा रहा हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-30 रुपये का ही आता है, बहुत ज़्यादा होगा तो 40 रुपये का, ठीक है। वो ट्यूब के ML के ऊपर डिपेंड करता है कितने साइज़ का है। ये बॉन्ड चपका हुआ है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी सफाई यहाँ पर भी ज़रूरी है। बुलेट का काम करते वक्त ना टाइम और सफाई, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सफाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से लीकेज बना ही रहेगा। ऊपर देखिए, नई गाड़ियों में ऊपर से लीकेज होता है। इसको बांधे हुए इंजन को मेरे को लगभग साल भर होने वाले हैं, मतलब कोई ऑयल लीकेज ऊपर से नहीं हुआ। यहाँ पे एक्चुअली बोल्ट ख़राब था, जिस कारण से ऑयल लीकेज पूरा हो गया, ये हालत देख सकते हैं। इसको साफ़ करेंगे फिर आपको बाद में देखेंगे। चलिए अपना एना बॉन्ड, ठीक है, इसकी कॉस्टिंग ये रही 30 रुपये। अब उसको इसमें लगाना चालू करेंगे, इसको अपन लगाना चालू करेंगे, ढक्कन से खोल लिए, ये निकलेगा इस तरीके से, देना इसमें। ये वाला जो होल है ना, ये होल दिखा दो, ये होल पे बॉन्ड नहीं लगे, ठीक है। अगर लगता भी है तो ऐसे पिन हो या कोई नट बोल्ट से या पिचकस से इसको होल को खोल दिया जाए, वहाँ से ऑयल चलता है। अभी अपना बॉन्ड लगभग लग ही गया, ठीक, ये लगाएंगे इसमें, लग गया कवर। अब सारे इसके नट बोल्ट लगा के टाइट कर देना है बस।